What's up people, I am areez shaikh और हम लोग कल जाने वाले हैं मेरे कॉलेज। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि मैं बताऊंगा पुणे वाड़िया कॉलेज कैसा, तुम लोग नीचे पढ़ ही लियोगा। सो भाई इसमें मैं पूरा बताऊंगा। अभी तो देखो भाई रात के, मतलब मेरे को पता नहीं क्या अंदर से चुल पड़ी कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहिए, चैनल ओपन करना चाहिए। और मेरा पहले से अपना, असल में मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा, मतलब यहाँ वहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा घूम के। लेकिन अभी मेरे पास में ना पैसे है ना गोप्रो है और गाड़ी भी नहीं है। ढंग की गाड़ी भी है एक जुपिटर गंदी से, उसका भी इंश्योरेंस नहीं। सो भाई अभी मैं जॉब पे भी लगने वाला हूँ, मतलब मंडे से। आज है सैटरडे, नहीं आज हाँ सैटरडे हो गया, 12 के बाद 3:30 बज रहा है, सैटरडे। मेरे को आज ही सुबह कॉलेज भी जाना है, मैं तुमको बताऊंगा वाड़िया कॉलेज कैसा है क्या नहीं क्या नहीं। और मेरे को मंडे से काम पे भी जाने का। सो भाई वो मेरा पहला काम है उन लोगों से, मैंने खैर वो सब बात बात की बात है। तो भाई हम लोग रोड ट्रिप करेंगे और गाइज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जा रहे हो। सकता है हमको रास्ते में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग देखने मिल जाए, जिसके रोड रेज वगैरह है, हमको कोई पुलिस रोक ले। हमारे पास में असल में लाइसेंस, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन हर्षद का पता नहीं उसके पास लाइसेंस है या नहीं। हेलमेट अच्छा उसका पावर रेंजर वाला मैं कल सुबह दिखाऊंगा तुम लोग को सबको। और अगर तुम लोगों को वो हेलमेट चाहिए तो मैं उसको वो भी बोलने बता दूंगा कितने का क्या है, किधर से लिया कैसा नहीं। सो भाई उसके हम लोग जाने वाले हैं रॉयल इनफील्ड, हाँ उसके पास बुलेट है या तो फिर वो जो भी लाए, जावा भी है बुलेट भी है, वो जो भी लाए हम लोग उस पर जाएंगे एकदम अच्छे से। और मैं तुमको पूरा बताऊंगा मतलब हम लोग हमारे घर से कैसे निकले। अभी तो मेरे को सुबह उठने का है, पता नहीं मैं सुबह उठूंगा कि नहीं। हम लोग का प्लान है 7 बजे जाने का, लेकिन 7 मतलब हम लोग थोड़ा मस्ती करते करते जाएंगे, इसके लिए 7 बजे जाने का प्लान है। ऑफिस तो 10 बजे तक खुल जाएंगे, लेकिन इधर से जाने में 1 घंटा लगता। और हम लोग बीच में ब्रेक्स भी लेंगे, थोड़े मज़े भी करेंगे उधर जाके, जेरोक्स वेरोक्स निकालना। असल में मेरा प्रॉब्लम ये हो गया ना कॉलेज जाने का कि मेरा जो एडमिशन है, अभी मेरा TY के लिए एडमिशन है और मेरे फर्स्ट ईयर में 80 KT लग गया था, तो वो हम लोग को प्रमोट कर देते सेकेंड ईयर में। लेकिन सेकेंड ईयर में हम लोग को जो है फर्स्ट ईयर के पेपर्स क्लियर करने के, तो मैंने वो क्लियर कर दिया था, लेकिन मेरे पास वो वाला रिजल्ट नहीं था जो क्लियर किया था, और मैंने अटैच कर दिया था ऑनलाइन फॉर्म में मेरा वो 80 KT वाला, तो रिजेक्ट हो गया। तो वो गए हम लोग अप्रूवल वगैरह कराए हम लोग ने, लेकिन आज भी वो पेंडिंग ही है, पता नहीं कैसे का मेरा फॉर्म, वो फी अप्रूवल वगैरह वो सब कल करा के, फी वगैरह देकर उधर एक्सपेंसेस, छोड़ वो सब। तो मैं कल तुम लोगों को बताने वाला हूँ पूरा, मतलब देहू रोड टू पुणे जा रहा हूँ मैं वाड़िया कॉलेज। तो भाई हम लोग जाते थे रास्ते में, पूरा रास्ता एक्सप्लोर करते करते जाएंगे, मतलब पूरा रास्ता हम लोग कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं, एकदम मज़ा आएगा तुम लोगों को देखने में। और उसके बाद मैं पूरा कॉलेज बताऊंगा, कॉलेज के ग्राउंड से लेके, तो कॉलेज के एंट्रेंस से लेके कॉलेज के साइड में जो CP है, कैनॉट प्लेस, भाई वो कबीर सिंह में बोलते हैं ना, अगर तूने गोली मारा तो नंगा कैनॉट प्लेस पे नाचूंगा, ऐसा ऐसा कुछ तो है। तो वो वैसा कैनॉट प्लेस भी है वहाँ पर, जहाँ पर सब बंदे बंदियाँ बैठते हैं, तो वो भी अच्छा है। वहाँ के भिखारी भी टैलेंटेड है, अगर उन लोगों को अपन एक चीज़ दो तो वो उनके सब 5-6 दोस्तों को बुला कर लेकर आ जाते। पूरा दिखाऊंगा मैं, पूरा एक्सप्लोर करूंगा अच्छे से। हम लोग जाएंगे जब देखेंगे अभी कल कौन सी गाड़ी आएंगी, हो सकता है हर्षद रॉयल इनफील्ड लेकर आए उसकी बुलेट, या तो फिर जावा भी है उसके पास, और मेरा अच्छा दोस्त है वो बहुत। सो भाई वो हमेशा मेरे काम में आता है, सबके काम में आता है। सो भाई ये सब अलग बात होगी, हम लोग जाएंगे पूरा वाड़िया कॉलेज का एंट्रेंस वगैरह, एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे पूरा एंट्रेंस, कैंटीन हम लोग एंट्रेंस दिखाएंगे, कैंटीन दिखाएंगे, ग्राउंड दिखाएंगे, और थोड़ा नेसवाड़िया भी दिखा देंगे। नवरोजी वाड़िया एक साइड है और नेसवाड़िया एक साइड है, तो मैं नवरोजी में हूँ, तो हम लोग नेक्स्ट नेसवाड़िया भी बाहर से दिखा देंगे। वहाँ पे बहुत झूले जाओ, अंगूठा लगाओ, मतलब अंगूठे से मेरा मतलब जाके साइन लगाओ, उसके बाद में नंबर वंबर, तो वो सब मैं को थोड़ा, तो मैं फिर भी तुम लोग के लिए मैं दूर से दिखा दूंगा। और दूसरी चीज़ भाई मेरे लिए पीछे का बैकग्राउंड तुम लोग क्लियर कर दो सबसे पहले, क्योंकि मत देखो वो सब, तो तुम लोग उसको इग्नोर करो, क्योंकि अब भी रात के 3:30 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला घर में अंदर सब जन सोए हैं, मेरी आवाज़ बड़ी है थोड़ी, तो उन लोग उड़िया थे फिर चिल्लाते हैं मेरे को। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, सो गाइस तुम लोग सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट के बिना कोई कुछ भी नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स बड़े हुए सब तुम्हारे सपोर्ट से। और गाइस इंस्टाग्राम थोड़ी ब्रो कि तुम लोग किसको सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा पता चलेगा कि अरे इसने सब्सक्राइब कर दिया, अरे इसको भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं ब्रो। तुम लोग बस एक सब्सक्राइब मारो, तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए उम्मीद बन सकता है यार। मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा आगे, वैसे तो मेरा सपना है कि मैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं GoPro भी लेने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग रोड व्लॉगिंग चालू करेंगे पूरा एक्सप्लोर, मतलब मुंबई टू पुणे, मुंबई टू गोवा वगैरह हम लोग सब जगह पे घूमेंगे। उसके बाद एक ही गाड़ी है अभी तो फिलहाल, वो जुपिटर ही खटा रहा, उसमें भी इंश्योरेंस नहीं, ना मेरे पास लाइसेंस है ना इंश्योरेंस है ना अच्छी गाड़ी है। अभी हम लोग जाएंगे जॉब पे, मतलब जॉब अभी तक लगा नहीं, आज सैटरडे मेरा, मंडे से जॉब चालू होने वाला है, उसके बाद 1 मंथ बाद मैं GoPro वगैरह भी लूँगा। अभी तो मैं सादा मेरा OnePlus Nord 2 में शूट करो। सो ये हम लोग, मैं तुमको सब बताऊँगा कैसे करना है कैसे नहीं, मतलब कॉलेज घुमाऊंगा ब्रो, तुम लोग समझो, कॉलेज घुमाऊंगा अच्छे से, फिर हम लोग बीच में शॉप्स भी लेंगे। तुम लोगों का ये बहुत बड़ा हो गया, पर प्लीज़ यार तुम लोगों ने देख लेना, एक लाइक
एक सब्सक्राइब बस तुम्हारा, मेरे को पता है कोई शेयर तो करता नहीं, इसके लिए मैं शेयर करने का ज़्यादा बोलूँगा नहीं। कल मिलते हैं, अभी मुझको सुबह उठना है, कपड़े वपड़े भी पहनना चाहिए, नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। सुबह हम लोग कल मिलते हैं। Oh my god, Harshad aa gaye. और ये था वो पावर रेंजर वाला हेलमेट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब हम लोग चलेंगे सीधा कॉलेज, जिधर भी ब्रेक लेंगे सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं शेल पेट्रोल पंप पेट्रोल डलाने के लिए। उसके बाद मैं आगे का बताऊंगा कॉलेज में क्या है क्या नहीं, और वहाँ पर सीपी भी बताएंगे हम लोग, वहाँ के टैलेंटेड भिखारियों को भी बताएंगे। एक को दो तो दो आ जाते, दो को दो तो दस आ जाते। अभी हम लोग निकल गए तो हम लोग डायरेक्ट पेट्रोल डालने के लिए, तुम लोग को पेट्रोल डालने के बाद मैं पूरा रास्ता बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज में। बस्तर मेरे भाई बस्तर। तो हम लोग अभी रुके चाय के ब्रेक के लिए, टी ब्रेक। सो ये टी ब्रेक के बाद हम लोग जाएंगे और आगे जाएंगे कॉलेज में, कॉलेज में जाके सब बताऊंगा कॉलेज में क्या है क्या नहीं। हर्षद मेरा मुंह देख के हंस रहे हैं। और हम लोग जाएंगे कॉलेज में, अच्छे से बताएंगे, इसके बाद फिर से तुम लोगों को रोड ट्रिप मिलेगा। उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे, जाने के बाद में देखेंगे कॉलेज जाएंगे और कॉलेज से वापस आने तक का हम लोग पूरा व्लॉग बनाएंगे। ओके तो हम लोग आ गए अभी इधर पेट्रोल पंप पे, हम लोग पेट्रोल डालेंगे कॉलेज के लिए। वो हर्षद है वहाँ पे पेट्रोल डाला रहा साला। इधर शेल पेट्रोल पंप अच्छा है, उधर उन लोग मस्त एकदम कार्ड वगैरह, उधर कार्ड भी बोल रहा सॉरी, मतलब उधर पेटीएम यूपीआई वगैरह सब चलता। इधर जाके पूछा तो इन लोग बोलते कार्ड नहीं है। तो हम लोग वही अभी हर्षद उधर पेट्रोल डला रहे, देखेंगे अभी वो पेट्रोल डलाएगा फिर हम लोग निकलेंगे वापस। ये पेट्रोल पंप हम लोग ने पेट्रोल डलाया एचपी के, अजीब लग रहा थोड़ा पहली बार ब्लॉक करा इसके लिए। वो हर्षद है उधर थोड़ा बहुत अजीब लग रहा सही बोलूँ तो, शर्म आ रही, शर्म नहीं लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही निकालने का, क्योंकि लोग सब मुंह देख रहे हैं कि क्या चालू है क्या नहीं। तो ही हम लोग अभी जाने वाले हैं, वो रुका है, अभी हम लोग का नंबर आने वाला है, अभी हर्षद का ही नंबर है। इसके बाद वो पहले वाले जो भैया उनके पास हम लोग जाएंगे अभी रास्ते में, फिर से रोड ट्रिप आएंगे एक छोटा सा, ज़्यादा मैं देर तक नहीं करूँगा वरना लंबा हो जाएगा, तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो ही हम लोग वापस से एक ब्रेक लेंगे अभी थोड़ा ही, ऐसे आगे तक का निकालूंगा, उसके बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे जहाँ पर वापस भी निकालूंगा एक थोड़ा। तो भाई उसके बाद अब मैं तुम लोगों को कॉलेज में जाके सीपी वगैरह का बताऊंगा। बाय द वे मैं हर्षद के मोबाइल में ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि उसका थोड़ा अच्छा फ़ोन है, उसमें थोड़ा अच्छा क्लियरिटी वगैरह है। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं, अभी मैं जाता हर्षद के पास। इधर मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है फ्यूल पंप पे, इसके लिए मैं थोड़ा दूर रुक रहा हूँ। भाई अभी मैं पेट्रोल डलाने के बाद जब डला लेंगा वो तो बाकी का ये कंटिन्यू करूँगा। एक फ़ोटो आ गया मेरे को पॉज करने का था, अभी मैं पॉज के बटन पर खींच के, लेकिन फ़ोटो आ गया। तो भाई बाल बाल पे ध्यान मत दो थोड़ा भी, सोकर उठाओ सुबह सुबह, इसके लिए नहाया भी नहीं मैच। बाय द वे तुम लोग उसकी घड़ी देख सकते हो, चाबी का उसका मेरे को किचन भी बहुत पसंद है। और वो हंस रहा मेरे को देख के, मेरे को भी शर्म आ रही।
तो हर्षद मैं पेट्रोल डला लिया है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं डायरेक्ट कॉलेज के लिए। अभी हम लोग जहाँ पर रुकेंगे चाय नाश्ते के, हाँ तेरे ही फ़ोन में कर रहा हूँ अभी। तो ये अभी हम लोग निकलने वाले, गाड़ी कर दी है चालू और अब हम लोग निकल गए भाई। भाई साहब हर्षद ड्राइविंग बहुत रश करता है, तो तुम लोग कभी बैठने मत उसके पीछे, वो तो मेरे को भरोसा उस पर और मेरे साथ में जो दूसरे हैं उसको भी भरोसा उस पर इसके लिए बैठे, तुम लोग की पक्का फट के चार हो जाएगी तुम लोग बैठेंगे तो। बुलेट है लेकिन वो बुलेट स्कूटी के जैसा चला था, कट वगैरह मार के और उसका कंट्रोल ओके। तो हम लोग अभी शिवाजी नगर के पास पहुंच चुके हैं, हम लोग ट्रैफिक में रुके हैं अभी, तो हर्षद जो है वो गाड़ी चला रहा है लेकिन उसको कॉल पे भी बात करने में ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहा क्योंकि 3-4 लोग मेरा मुंह देख रहे थे। निकाल लिया उसको उसमें इधर अटका के रखा, हम लोग जाएंगे आगे, हम लोग बीच में एक स्टॉप लेने वाले, हम लोग देखेंगे उधर क्या होता है। ऑलमोस्ट शिवाजी नगर में, ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, अभी आगे ये ब्रिज खत्म होने के बाद एक जगह है, हम लोग वहाँ पे ब्रेक लेंगे फिर से। ब्रेक मतलब भाई थोड़ा चिलिंग के ले रहे, चाय वाय पियेंगे उधर फिर से थोड़ा फ्रेश होंगे। ये स्मेल बहुत गंदी देती है ये वाली नदी, ये देख लो ये। अभी हम लोग वहाँ पर आगे रुकने वाले सिग्नल के पे, ये रुके बस यहीं पर रुकने वाले हम लोग थोड़ा चाय वगैरह के लिए, वो वाली दुकान पर हम लोग रुकेंगे। तो हम लोग अभी रुके इधर चाय नाश्ता करने के लिए, हर्षद मेरे को देख के रख रहा, कहीं रखने को जगह नहीं थी तो मैंने बाइक पे ही रख दिया फोन, और स्टिल अभी भी हर्षद का फ़ोन है। ये झाँक रहा देखो मुंडी डाल रहा, ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाले लगता है, इसको पता नहीं, इसको मालूम है लेकिन फिर भी इसको लग रहा कि मैं नहीं डालूंगा लेकिन मैं डालने वाला हूँ। तो ये हम लोग अभी चाय नाश्ता करेंगे, तुम लोग यार जब तक के क्या कर रहे हो, एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब कर दो जब तक के। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर चाय नाश्ता करके निकलेंगे, उसके बाद फिर से वही, अब मैं टाइम लैप्स देखूंगा, आप डायरेक्ट मिलेंगे कॉलेज में, कॉलेज के एंट्रेंस से चालू करेंगे। ओके तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, वैसे वाड़ी मतलब हमारा जो नवरोजी वाड़ी है उधर का, मतलब कॉलेज वाड़ी है एक ही, उसके अंदर ही दो डिवीज़न है, एक नैसवाड़ी एक नवरोजी वाड़ी है। तो भाई हम लोग जाके तुमको दिखाएंगे, अभी ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का ही काम है, इधर से पहुँच जाएंगे हम लोग। और अभी मैं टाइम लैप्स निकाल रहे तो रोड ट्रिप ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा, तुम लोग को भी बोर होगा, स्किप मत करना, मेरे को मालूम है ये बोलने के बाद ही तुम लोग स्किप करेंगे। तो भाई हम लोग चलते हैं अभी डायरेक्ट कॉलेज के एंट्रेंस में मिलूंगा पार्किंग में, मतलब पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद वापस से चलते जाएंगे, वो वाला तो नहीं निकालूंगा मैं, हम लोग डायरेक्ट मतलब एंट्रेंस में डायरेक्ट वीडियो निकालूंगा, तुमको पता चल जाएगा वहाँ पर एंट्री वगैरह करना पड़ता है, वो हर्षद करेगा। अभी हम लोग आगे ले कॉलेज में, ये देखो इधर से चालू है कॉलेज का एंट्रेंस है, अभी हम लोग पार्किंग में थे गाड़ी लगाए, अभी हम लोग जाने वाले हैं कॉलेज। अभी मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही पब्लिक है और कुछ ज़्यादा ही नर्वस लग रहा है इधर। ये बाउंसर लोग हैं कॉलेज के, अभी हर्षद करेंगे एंट्री, मैं नहीं करेंगे, ठीक है चल फिर तू ये पकड़, मैं एंट्री कर। अरे ये तो सब वीडियो एक ज्यादा रहता हमेशा ग्यारह। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे उधर साइड ग्राउंड है,
अजीब लग रहा है, बड़ा खतरनाक वाला है। आज भीड़ भी है क्योंकि कॉलेज में। लेकिन अभी हम लोग ने सोचा है कि अभी YouTube पे चैनल बनाना है, इसके लिए अभी हम लोग भीड़ को इग्नोर करते हुए घुसेंगे सबके सामने और देखेंगे कि सब कौन। हाँ, ये मैं इसके साथ नहीं है बोलो, लेकिन हम लोग देखेंगे अभी। चलो इधर एक रिएक्शन भी देखने मिल जाएगा, अगर कोई कॉलेज वगैरह में व्लॉगिंग वगैरह के लिए शूट करते हैं तो लोग कैसा देखते हैं। अभी सब इधर देखने मिल जाएंगे, ये देखो। हाँ, ऑडियो बाद में ऐड कर सकता मैं, लेकिन इतना झोल कौन करते बैठेगा। मेरा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गया अभी, बस देखो भाई ये सब है उधर पीछे लाइब्रेरी उस साइड है। हाँ, सब छपरी लोग इधर, कुछ फायदे का नहीं अभी। नहीं नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ये चालू रखूंगा वीडियो, भीड़ चाहे कितनी भी हो। थोड़ा धीरे बोलूंगा वो अलग बात है, लेकिन चालू तो रहेगा वीडियो, फिर चाहे कोई देखे कि नहीं देखे। हम लोग एकदम, मेरे को क्या मालूम कि अब ऐसा, देखो देखो इसका रिएक्शन, देखो इसका मैं बाद में। अभी मैं इधर से बंद कर लेता क्योंकि मेरे को थोड़ा ऑफिस का काम है। ये कैंटीन है, ये ऑफिस है। अभी मेरे को इधर काउंटर पे जा रहा मैं। अभी मैं बंद करता थोड़ा, मेरे को ऑफिस का काम है। पूरी कैंटीन अभी वो छोटी हो गई है, ऑफिस से अभी हम लोग निकले। ये भी मेरे दोस्त, अरे बताना पड़ता भाई। अबे किधर जा रहा है? सीपी। हाँ, अभी क्या है वो कंप्यूटर चालू करेंगे तो करेंगे। हाँ, तो फिर इधर से हम लोग को जाने के सीधा सीपी का रास्ता आगे, वहाँ पर से थोड़ा रोड वगैरह क्रॉस करके हम लोग सीपी चलेंगे। हमको डर लग रहा कोई लड़की रुका के बोलना दे क्या साले। क्या वीडियो निकाल रहे, चल मोबाइल दिखा। फिर उसको सब टूटे फूटे ब्लॉग दिखाने पड़ेंगे बिना जोड़े हुए। देख भाई, हम लोग देव लड़ रहे इधर से चालू किया, कल रात को ये किया, आज ये कर। पर देखा जाए तो अच्छा है, पुणे में जो लोग वाडिया कॉलेज में अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आज आए हुए, तो उन लोग को शायद उन लोग भी देख सकते हैं खुद ये वीडियो में। या तुम्हारे कोई दोस्त लोग होंगे तो उनको शेयर कर देना याद से कि देख भाई एक लड़के ने ब्लॉग बनाया था, पहला ब्लॉग था उसका, और उसके पहले ब्लॉग में तुम्हारी अच्छी शक्ल आ गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी भी तो तेरे ही साथ हूँ। ये देखो, ये पूरे यहाँ पर लौंडिया पूरा हाथ वाथ मार रही है। किसी की माँ बहन या बेटी, मतलब किसी की बहन या बेटी रही तो अंकल आंटी भाई। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्कैम आ जाए अपन उधर से जाएंगे ना। ठीक है, ये वाला डॉक्टरों का है। देख लो तुम लोग, ये बॉयज हॉस्टल है और उसके अपोजिट में गर्ल्स हॉस्टल है। अब हम लोग रिटर्न जा रहे क्योंकि इधर से एंट्री का कुछ। अरे चल अपन दिखा, अबे इनको कुछ भी दिखाने का इन लोग समझ जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मोबाइल में से कुछ भी दिखा इन लोग को, तो इन लोग को लगता है वही छोड़ देते। फिर ये देखो, ये वही पूरा बिल्डिंग का कट आउट है साइड का, इधर से भी लोग आ रहे हैं उधर पे टॉयलेट। ये देखो, ये देखो लोगों के रिएक्शन, देखो इसके। देखो तो अभी भी डर लग रहा, बनाते बनाते भी साला लड़की वड़की आके चाटा मार दे तो फिर पक्का फेमस हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बाकी का थोड़ी देर मतलब आगे दिखाते, तुम लोग ब्लॉग देखते रहे। ठीक है, तो ये क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये वाला भी दूसरा ऑफिस है। हाँ, मैं ब्लॉग पे बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ। ये देखो, यहाँ पर से भी एक रास्ता है, लेकिन हम लोग तुम लोगों को नेक्स्ट वाडिया दिखाने का इसके लिए थोड़ा आगे है। भाई मैं दूर से दिखाऊंगा, मैंने देखो तुम लोग को पहले ही मैंने बोला था कि मैं दूर से दिखाऊंगा। ये कुआ नहीं, ये फाउंटेन था जो टूट गया, और पिछले टाइम मेरा जो वीडियो था वो यहीं पे कुत्ते लोग बैठे हुए थे तभी हुआ था सब। बाय द वे गाइस, तुम लोग को वाडिया कॉलेज में लेना चाहिए, सही बोलो तो, अगर तुम लोग प्लेबॉय हो तो। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की कमी नहीं, मैं तो देखता नहीं हूँ किसी को इधर, सारी मेरी बहनें हैं यहाँ पे। वो देखो, वो वाला है नेस, उधर है नेस वाड़िया, इधर से पूरे बच्चे नेस वाड़िया के जा रहे। ये देखो, हाँ थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ब्रो। ये वाला इधर का ग्राउंड है,
अगर तुम लोगों ने सुना रहेंगे इधर की टीम अच्छी फुटबॉल की, तो वो लोग इधर ही खेलते हैं। हाँ, इधर पे पीछे बच्चे लोग पूरा गलत नशेड़ी है पूरे। ये देखो, ये दूसरा साइड है, यहाँ पर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वगैरह है। कल हम लोग ने भगत सर इधर ही बैठ सर, कल हम लोग ने इधर बहुत मरवाई है हमारी, उसके बाद जाकर कहीं मिला हमें। सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसा वीडियो निकाल रहे। ये देखो पुतला इसके अंदर है, वो दिखा नहीं सकता, क्या मालूम किसका तो भी पुतला है, लेकिन इधर अंदर ये पार्किंग है। देखो देखो इसको, देखो इसको कैसा हेलमेट पे अगर कैमरा लग गया है ना। हर्षद को कॉल आ गया, वो घड़ी पे से कॉल उठाएगा। हेलो, अभी हम लोग पूरा घूम कर आए, कॉलेज का एक सर्कल टाइप है मतलब, तो हम लोग वो घूम कर आए। देखो ये यहाँ पर वापस से पार्किंग आ गई है, कार वगैरह भी आती है इधर से। ये सर लोग है जो नेठल्ले मार्च करते हैं। हम लोग की बाइक हम लोग ने उधर अंदर साइड लगाई है, उस साइड। तो भाई अभी हम लोग घूमकर आ गए, तुम लोग को तो दिखाई है इस साइड का। अभी हम लोग जा रहे हैं केपी। देखो डिज़ाइन वगैरह अच्छा है, तुम लोग फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं इधर अच्छी। अभी हम लोग जाने वाले हैं डायरेक्टली सीपी पर जाने वाले, वहाँ पर हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद रिटर्न कॉलेज में आएंगे। तो मैं वापस से एक बार कॉलेज का व्यू दूंगा कैसा है कैसा नहीं। लाइब्रेरी इस साइड है, अभी लाइब्रेरी का भी तुम लोगों को साइड दिखा देता हूँ। वो देखो पुतला एक इधर भी है मैंने, जैसे कि तुम लोगों को बताया था। ये देखो, अरे ब्लर हो जाएंगे ऐसे तो। इस साइड लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी इस साइड है। अभी हम लोग वापस से बाहर निकले। सही बोलो तो गाइस यार, बहुत नर्वस होता है ऐसा वीडियो बनाने में, मैं तो पूरा नर्वस हो जाता। साला सब लोग मुँह देख रहे, लेकिन करना है कुछ तो भी। ये देखो ये सामने का रोड है, उधर सामने वो कॉलेज का बाउंसर ऐसा देख रहा था, मेरे को लगा अभी बोलेगा चले इधर वीडियो निकालना अलाउड नहीं। हम लोग फिर से आ गए पार्किंग में, और यहाँ पर कसम से बहुत सारी गर्दी होती है पार्किंग के लिए, पर मिल जाती है पार्किंग, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अभी हम लोग जाएंगे केपी, सॉरी केपी बोल रहा, सीपी। हम लोग सीपी जाएंगे अभी, और यहाँ पर से सीपी तक का तो मैं तुमको टाइम लैप्स दिखा दूंगा, तुमको समझ जाएगा। काफ़ी छोटा रास्ता है, उतना टाइम लैप्स देख लेना, तुम लोगों को समझ जाएगा कि एंट्रेंस पे से आना कैसे, फिर सीपी। और कॉलेज के पीछे साइड जहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए बस, उसके वो रोड क्रॉस करके वहाँ पर सामने ही सीपी था। तो अभी मैं इधर से व्लॉग ऑफ करता हूँ, अभी सीधा हम लोग हमारी कार इस बुलेट के पास पहुँचेंगे, फिर हर्षद बुलेट निकालेगा, तो हम लोग टाइम लैप्स लगाएंगे और सीपी चलेंगे। फिर सीपी पे चल के कुछ खाएंगे पियेंगे वहाँ पर, क्या अगर लुटेरे देखे तो वो भी दिखाऊंगा, वो जो उनको अगर तुम कुछ खिलाओ तो फिर वो आते हैं और फिर साथ में 5-10 लोगों को लेकर आ जाते। अभी मैं डायरेक्ट चालू करता हूँ, तुमको दिखाऊंगा रोड वहाँ का सीपी का कैसा कैसा। तो अभी हम लोग सीपी के पास आ गए, वो जो तुमको दिख रही है सामने बिल्डिंग वही है सीपी, उसके नीचे पूरा सीपी है, मतलब वही बिल्डिंग है सीपी। बस से सिग्नल पे टाइम में लग जाए, बहुत खुल गया। हम लोग जाने वाले सीधे, गाड़ी लगाएंगे वहाँ पे पार्किंग में। ये देखो ये पूरा सीपी, इधर कॉलेज के सब लोग आते, ये कनॉट प्लेस है यहाँ का। हम लोग जाएंगे डायरेक्ट अंदर, सबसे पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न कॉलेज में जाएंगे। तो इसके बाद मैं मिलूंगा तुम लोगों को, तो डायरेक्ट कॉलेज में ही मिलूंगा। हम लोग टिकट फाड़ लेते 10 रुपए की। लॉगिन करते टाइम इधर पे सब जन देखते क्यों ऐसा, यही नहीं समझता मेरे को तो। बस एक बार देखो भाई सब जन कैसा देखते वीडियो निकालते टाइम। ये सब दुकानें इधर जेरोक्स वगैरह यहीं पे लेने आएंगे हम लोग बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग इधर
रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, अंदर कुछ खाते टाइम बताएंगे। इसी के अंदर एक कैफे, सस्ता कैफे है। देखो अगर तुम लोग कब जा रहे हो, तुम लोग को भूख भूख लगी तो ये उसका मेन्यू है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को इधर मिल जाएंगी बड़े अच्छे दामों में। ऊपर बैठे हम लोग, यहाँ पर से चढ़ कर आना है नीचे। पूरा मैं पता ही नहीं हो क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग थे, मैं नर्वस भी था। तो ये देख सकते हो तुम लोग, इधर से तुम लोग पॉज करके देख लो। मैं सब बता रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, इतना कर रहा हूँ सही में, मैं बहुत नर्वस हूँ। फर्स्ट लोग तुम लोग पक्का लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर एक्सीडेंट मोबाइल उठा ही रख लेना। ये चीज़ दावेली मंगाई ली हम लोग ने, अभी 15 रुपये की 2 सेकंड कर रहा हूँ। अभी हम लोग ये खाएंगे, उसके बाद बताऊँगा कोल्ड कॉफ़ी आएंगे तो उसका भी निकल। अपोजिट में सीपी, और अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं कॉलेज। ये जेरोक्स ले लिया है दोस्त का, अभी देखते इधर से घुसने देंगे कि नहीं अंदर। इन लोगों का फी वगैरह तो दिखाई दूंगा मैं हाथ में की। अभी क्या अंदर जा रहे हैं हम लोग, देखते रुकाएंगे, कोई नहीं रुकाने वाला है। चलो अच्छी बात होगी, अपन अच्छा आगे रहते थे पिछले टाइम पे। यहाँ पर एंट्रेंस तो भाई, अभी मेरे फिर से ये तो मैं इस साइड का दिखाने के लिए इस साइड आया, तो वहाँ पर अंदर भी है सब कुछ, इंस्टीट्यूट वगैरह। ये तो कुछ कारखाना है। ओके तो तुम लोग देख सकते हो, जैसे ओके तो तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि ये है वो बच्चा, मैंने इन लोगों को दिया था कल भी और आज भी दिया था। वो एक बूढ़े वाले अंकल चले गए, लेकिन देखो कितना अच्छा खेल रहा है बेचारा, एकदम एंजॉय मतलब। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखो कार्टविल मार रहा है, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। तो भाई इसके और 5-6 दोस्तों को बुला कर लेकर आ जाते हैं, इन लोग तो इनके स्कैम से बच जाना। ठीक है भाई, सो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, घर पे आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। अभी मेरा मोबाइल बहुत डेंजर हुआ है, स्पीड में तो भाई अभी मैं घर के लिए निकला और मौसम इतना मतलब गर्मी नहीं हो रही, टूट बिल्कुल भी, एकदम अच्छा मौसम है इधर। ऊपर भी देखो तुम लोग पूरे बादल वादल काले, तो मेरे को भी थोड़ा मोबाइल निकाल के वीडियो निकालने का मन किया। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ और घर पे जाकर भाई ब्लॉग थोड़ा ख़त्म करने वाले, घर पे जाके थोड़ी पास कुछ बातें करके थोड़ी बहुत घर पे मिलते हैं। ओके तो गाइज अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, मतलब अभी तो रात हो गई है वापस से, मतलब आज ये मतलब मैं आया था, मतलब मैं जब पहुँचा था कॉलेज, हम लोग जब निकले थे तब सुबह के 9:30 बजे से लेट हो गए थे। अब मैं घर पर आ गया हूँ, मैं मतलब आया 4:30-5 बजे मैं घर पर आया, फिर मैंने काम निपटाया, उसके बाद मैं जिम वगैरह गया, उसके बाद बाहर था, उसके बाद मैं आया अभी। तो फिर वही वीडियो को ख़त्म कर दो भाई, मुझसे इसमें आप लोगों को कुछ बात बतानी है मेरी। तो देखो भाई सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों के एक शेयर तो देखो आप लोग करोगे, मैंने पहले भी बोला, आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब, वो बेल वाला जो आइकन है वो तो इतना बोलने पर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आप लोगों का मेरे को बहुत होप्स मिलेंगे, क्योंकि गाइस मेरे को तुम लोगों से बहुत होप्स है। और मेरे को मालूम है, मैं तुम लोगों को बोलूंगा नहीं, मैं पहले सोचता था कि यूट्यूब मेरे देखने में भी बढ़ा देना, लेकिन मेरे को जो बात पता चली वो ये है कि जो भी ब्लॉगर्स रहते हैं ना गाइस, तुम लोग घूमते ना, ये ईजी नहीं है, तुम लोग करके देखो एक बार, मतलब भीड़ के गर्दी के बीच में तुम लोग वीडियो बनाने का ट्राई करो, वीडियो बना के देखो, फिर आप लोगों को पता चलता है फिर कि मतलब नर्वसनेस कितना रहता है, डर लगता था। मतलब मैं तो कसम से कॉलेज में जाते टाइम सोच रहा था कि मतलब वीडियो में ऐसा लेके घूमना कैमरा हो जाए, और उसके बाद में कैमरे में मतलब मोबाइल में वीडियो शूट कर रहा, और फिर लोग ये सब देख रहे हैं, लगा तो लड़कियाँ के ना बन गया, अच्छा इसका वीडियो निकाल रहा है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और वही यार बहुत मतलब तुम लोगों को बोलूँ सही से, तो मैंने मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो मतलब पूरा सेट करना पड़ा मेरे को वो बाइक पे, मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं, ये भी मैंने गमले के पीछे लगाया, मतलब गमले के साथ में सेट करके रखा हूँ, फोन मिला था मेरे पास, ना ट्राइपॉड है मतलब कुछ नहीं है, ना गिम्बल ना कुछ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। पर मैंने सोचा था कि आज मेरे को करना है, मेरे को नीचे हसर गया था, तो उस वो मतलब वो राजी था एक चीज़ से, लेकिन वो हंस रहा था कि भाई बस हो गया ये बस भाई बस सब देख रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार अपने को करने गए तो अपन करेंगे। सो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था, और जब हम लोग गए ना, मैं कसम से बोला, जब मैं मतलब जितना भी वीडियो निकाला पूरे रोड ट्रिप का, तुम लोग को जितना भी वीडियो दिखाऊँ सब मैंने मेरा हाथ में पकड़ के रखा था ऐसे। तुम लोग अगर वो वीडियो में देख सकते हो तो तुम लोग शायद उसके गाड़ी के कैमरे में देख सकते हो, मतलब गाड़ी का जो वो रहता है ना आईना साइड का तुम लोग उसमें देख सकते हो पकड़ के रखा था। और लिटरली हमारे ऐसे कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है, वो पूरा टाइम पकड़ के रखा। उसके बाद में टपरी वगैरह पे भी हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए रुके, वहाँ पर भी मतलब सब लोग देख रहे थे। उसके बाद कैफे में भी गए, वहाँ पर भी सब लोग देख रहे थे, बहुत सारी जगह सीपी पे तो तुम लोग ने देखे ही होंगे कि लोग कैसा देख रहे थे, इनफैक्ट हंस रहे थे कुछ लोग देख के कि अरे ये क्या कर रहे हैं। पर
करना है मुझे, इसके लिए मैं कर रहा था। सो गाइस भाई, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो बस यार भाई एक लाइक एक शेयर करके जाना भाई। मिलता तुम लोगों से अगले ब्लॉग में। मेरे देखो अभी भी मेरे को बोलते नहीं आ रहे अच्छे से कि मुझको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। सो भाई मिलते हैं, अब मैं ये सुबह फिर वही बोलूंगा मैं दानिश से इनके लाइन में उसको अच्छा लगता था, टू बी ऑनेस्ट मुझको अच्छा लगता था और मेरा मुँह से निकल जाता है अभी ब्लॉगिंग क्योंकि उसके देखा था पहले इसके लिए। तो गाइज अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, शेयर नहीं लाइक और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि पता है शायद कोई इतनी जल्दी करेंगे नहीं। तुम्हारे एक व्यू से मेरे लिए बहुत स्किप नहीं करना, व्यूज आना सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करना मेरा मतलब लाइक देना तुम लोगों का वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो भाई तुम लोगों जो आगे बढ़ाने वाले और मेरे को भी मेरी फैमिली बनानी है, अब वैसे भी तुम लोग फैमिली हो चाहे सब्सक्राइब करो ना करो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे क्या ब्लॉग बनेगा क्या नहीं, जो भी होगा हम लोग देखेंगे आराम से। अभी तो मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करना है, फिर हम लोग कभी न्यू ईयर वगैरह पे कहीं जाते पुणे वगैरह में तो फिर मैं वहाँ का भी तुम लोगों को पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा कि पब वगैरह कैसे रहते हैं। थोड़ा नर्वस था मैं आज के वीडियो में पर ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।